शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। छत्रपति चौक स्थित स्नेहनगर में भारत पेट्रोल पंप है और इस पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारी ने आंदोलन किया है। आखिरकार ऐसे क्या हुआ कि जिसके चलते तमाम कर्मचारियों ने, जो कि दिव्यांग है, उन्होंने अनशन किया, जिससे पेट्रोल भरने वाले लोगों में खलबली सी मच गई। छत्रपति के स्नेहनगर में ऑरेंज सिटी पेट्रोलियम है, जहां पर प्रतिदिन लोग पेट्रोल भरते रहते हैं। इसी पेट्रोल पंप को राष्ट्रपति पुरस्कृत 2010 में किया गया था। मैनेजर एवं डीएसएम को वेतन एवं अन्य सुविधाओं के संदर्भ में डीलर द्वारा किए जाने वाले शोषण का रोकथाम एवं कर्मचारियों के हित में न्याय मिलने हेतु आज वहां के तमाम दिव्यांग कर्मचारियों ने आंदोलन किया, जिसके चलते पेट्रोल भरने आए लोगों को खाली हाथ जाना पड़ा। तो वही पेट्रोल पंप के मालिक डीलर मेघा काले, इन्होंने आखिरकार क्या उनकी मांगे पूरी हुई या नहीं, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं आंदोलनकारी कर्मचारी और उस पेट्रोल पंप के डीलर मालिक काले मैडम, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में हम छत्रपति चौक के स्नेहनगर के अंतर्गत आने वाले भारत पेट्रोल पंप पे है और भारत पेट्रोल पंप पर हम पेट्रोल भरने आए थे, मगर हमें पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। आखिरकार हमें क्यों नहीं पेट्रोल दिया जा रहा है, इस बारे में जब हमने जानकारी हासिल करना चाहा तो हमें पता चला कि आज ये जो पेट्रोल पंप के मालिक है, उन्होंने शटर गिरा दिया है, यहाँ पे लॉक लग चुका है, जिसके चलते ये जो कर्मचारी लोग हैं ये यहाँ पे खड़े हैं। आखिरकार ये कर्मचारी क्यों खड़े हैं, इस बारे में हमने जानना चाहा तो इनकी कुछ मांगे है, जिसके चलते आज इन्होंने भी काम बंद कर दिया, मालिक ने भी यहाँ पे लॉक लगा दिया। आखिर ऐसे में ये लोगों के ऊपर और क्या क्या मुसीबतें आ रही है, क्यों ये क्यों कामकाज कर रहे हैं, इनसे जानना चाहेंगे। सर ये बताइए कि आज आप लोगों ने ये काम क्यों बंद कर दिया, क्या आपको नहीं लगता कि आज जो लोग पेट्रोल भरने आ रहे हैं उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है? हेलो, मैं ललित बकने, पेट्रोल पंप मैनेजर छत्रपति स्क्वेयर ऑरेंज सिटी पेट्रोलियम। पिछले 2007 से यहाँ पे कार्यरत हूँ और आज हम लोग ये पेट्रोलियम जनशक्ति पेट्रोलियम यूनियन अध्यक्ष के मार्फत जब हमारी नहीं सुनी जाती थी तो हमने किसी यूनियन का हाथ पकड़ा और मालिक तक ये बात पहुंचाई, तो इस चीज़ को उन लोगों ने वर्बली मान्य कर इस मांगनी को हमारे पूरे करना नामंजूर किया। मांग क्या थी? हमारी मांग ये थी सर कि हमको केंद्र सरकार की तरफ से जो दिए जाने वाले वेतन है उनको पूर्णता से दिया जाए, परंतु हम लोगों की कहीं भी सुनी नहीं जाती थी, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं यूनियन का हाथ पकड़ा, जिसके मार्फत यूनियन के अध्यक्ष जो पासवान साहब के श्रम मंत्रालय से चलती है, उनका हाथ पकड़ा श्री हर्षल जी। उन्होंने जब उनसे बात किया तो मालिक ने यही बोला कि हम लोग पेमेंट बराबर देते हैं बट पूरी तरह से हम लोगों को पेमेंट नहीं मिलता, और मेरे कर्मचारी आज 3-3.5 हज़ार में मेरे साथ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, ये कर्मचारी काम कर रहे हैं सर, आज लगभग मुझे पकड़ के 17 से 18 लोग इस पेट्रोल पंप पे कार्यरत है। हाँ, लेकिन इस कार्य क्षमता पूरी करने के लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं ऐसी कोरोना जैसी स्थिति, महामारी जैसी स्थिति में हमने पूरा कार्य किया, 3 महीने पूरा कार्य किया, उसके बावजूद भी हम लोगों को वेतनों में कम करके ना तो ऑनलाइन पेमेंट दी जाती है, हाँ, ना किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। यदि हम अपना हक मांगते हैं तो हमें डायरेक्ट एक एक करके टर्मिनेशन लेटर हाथ में दिया जाता है, बिना कोई पूर्व सूचना दिए बगैर। हाँ, आज मेरी वही हालत है कि मैंने यदि टीम के साथ में अपना हक मांगना चाहा तो मालिक मुझे तुरंत, मुझे दूसरे दिन मुझे बोलते हैं कि ना कोई शो कॉज लेटर, ना कोई मेमो, और उसके डायरेक्ट मेरे हाथ में मुझे टर्मिनेशन लेटर दिया जाता है, जिससे मेरी मानसिकता बिगड़ी। यदि मैं उस मानसिकता के चलते हुए मेरे परिवार को आज मेरे ऊपर इतना बोझ है कि मैं ना पाल सकूं तो मैं आत्महत्या करने के ही लायक बचा हूं, तो मैं इस हालत में कैसे जीऊं, और मैं टर्मिनेशन लेटर का मैं पूछता हूं उनको कि मेरा कोई कारण बताइए आप, जिसकी वजह से आप टर्मिनेशन लेटर मुझे दे रहे हो, तो मैं पूछता हूं तो वो मुझे ही बोलते हैं कि तुलाज मालूम है। बिल्कुल, इस तरह से इनकी ये बातें के इनको ये नेतृत्व कर रहे हैं, जो नेतृत्व करता है उसके ऊपर में एक्शन लिया जाता है, ये इतिहास गवाह है और वही हो रहा है। मालिक ने विदाउट इंफॉर्मेशन दिए इनको निकाल देने की बात कही है और लोगों के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। एक महिला है जो दिन रात यहाँ काम करती है, पेट्रोल भरती है, मैडम आप बताइए क्या कहना चाहोगे आप? मेरा नाम हेमलता सहारे है,
मैं 2007 से काम कर रही हूँ यहाँ पे। मैडम मेरे को हर महीने 3-3.5-4 हज़ार ही पेमेंट देते हैं, पूछो तो बताती नहीं है बराबर। और मेरे दो लड़के हैं, हस्बैंड है। क्या इतने पैसे में हो सकता है? नहीं होता है। पेमेंट के बारे में बोलो तो पेमेंट की क्या देते? निकालने की धमकी देती है। हाँ, आप क्या कहना चाहोगे? हेलो सर, मैं अमोल गुरटकर, मी इथे 2007 पासून काम करतो। 2007 पासून काम करतो, आजपर्यंत मालकांनी मला असा पुरेसा पगार दिलेला नाही आहे। 3,500 काम करून घेतलेलं आहे। मी संध्याकाळी नाईटची ड्युटी पण केली, तेव्हा पण मला 300 रुपये महिन्यानेच त्यांनी पगार दिला आहे। तर कोरोनामध्ये आम्ही काम करत असताना त्यांनी आम्हाला 75 रुपये रोजाच्या हिशोबाने पगार दिलेला आहे। आम्ही रोज ड्युट्या केल्या, सॅनिटायझर वगैरे नाही, काहीच नाही, मास्क नाही, काहीच नाही, कोणत्याही अशा सुविधा दिलेल्या नाही। आणि ते सांगतात की आम्ही सगळ्या सुविधा दिलेल्या आहेत, तरी तुम्ही आमच्या पंपावरती बघू शकता का कोणत्या सुविधा आहेत ते? कधीच आम्हाला या सगळ्या सुविधा दिलेल्या नाही आहेत। आणि आज आमच्या मॅनेजरजवळ त्यांनी रिझाईन लेटर दिलेलं आहे। तर आमची अशी इच्छा आहे सगळ्यांची का आमचे मॅनेजर आमच्यासाठी खूप चांगले आहे आणि पंपासाठी पण खूप चांगले आहेत। त्यांचे कार्य चांगले आहेत, आम्ही त्यांच्या पाठीशी उभे आहोत। त्यांच्या समस्या जर ते सोडवत नसतील तर आमच्या पण ते समस्या सोडू शकत नाहीत, कारण का आम्हाला आतापर्यंत कुठल्या अशा मदतीसुद्धा केलेल्या नाही आहेत। धन्यवाद सर। बिलकुल, पुलिस की गाडी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ लगता है यहाँ के जो मालिक है वो भी आ चुके हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। इस समय में हमारे साथ में भारत पेट्रोल पंप जो चलाते हैं ऐसे यहाँ के मालिक, क्या नाम है आपका? मेघा काले जी इस समय हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। मेघा मैडम, ये बताए कि जिस तरह से आपके जो कर्मी लोग यहाँ पे काम करते हैं, पिछले कई वर्षों से कामकाज कर रहे हैं, इनका ये आरोप है कि आप इनको तनख्वाह बराबर समय पे नहीं देती हो और काफ़ी कम देती हो। अगर कोई इस बारे में अगर आपसे बात करना चाहे तो उसको निकालने की आप धमकी देते हो, ऐसा उनका कहना है। इसके ऊपर में आपका क्या कहना है? मैं इनको बराबर पेमेंट देती हूँ, जो भी डिसाइड है गवर्नमेंट का उसके हिसाब से इनको बराबर तनख्वाह देती हूँ। और धमकियाँ वमकी तो मैं कुछ, मेरे हैंडीकैप बच्चे हैं, मैं भी हैंडीकैप हूँ। अगर मेरे को इनके बारे में कुछ नहीं रहता था तो मैं इनको क्यों रखती थी? और इनको पेमेंट ना देने का कोई मतलब ही नहीं है। पेमेंट बराबर इनको मिलता है, ये लोग बच्चे ही अभी तमाशा कर रहे हैं। बाकी तो और कुछ इनका प्रॉब्लम नहीं है, सभी इनको फैसिलिटी मिल रही है, कोरोना में मिल रही है, सभी मिल रही है। मगर इनका कहना है कि ना मास्क दिया जा रहा, ना सैनिटाइजर दिया जा रहा, सभी दिया जा रहा है। मेरे पास बिल्स है, इन्होंने इतना यूज भी किया है इसका, सभी कुछ इनको दिया मिला है। मेरा आखिरी सवाल यह है कि जिस प्रकार से इन लोगों का ये कहना कि सैलरी बहुत कम है, 3,500 में किसी के परिवार का गुजर बसर नहीं होता है, इसके ऊपर आप एक माता पिता की भूमिका में यहाँ पे क्योंकि आपके यहाँ जो काम करते हैं तो आप इनके प्रमुख हो, प्रधान हो, कि आपको नहीं लगता कि ये 3,500 कम सैलरी होती है? 3,500 इनको मैंने सैलरी नहीं दी है, इनको जो भी गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से इनको सैलरी दी गई है। आप ही बताओ, अगर मैं 3,500 इनको सैलरी देती तो ये मेरे पंप पे क्यों रुकते थे? आप ही बताओ, आपको अगर कहीं आपको कम सैलरी मिलते तो आप वहाँ काम करेंगे क्या? आप क्यों रुके मेरे पंप पे फिर? आखिरकार इन लोगों ने ये क्यों आंदोलन कर रहे, क्या काम कारण क्या है? मैंने वो मैनेजर को निकाला है इसलिए ये कर रहे हैं। ये पहले बहुत चोरियां करते थे, मैंने इनको इनकी चोरी पकड़ी है और अभी मेरे को ये ब्लैकमेल कर रहे हैं सभी। आए दिन हम पंप जलाने की धमकी दे रहे हैं, मेरे से खंडनी कर रहे हैं, मेरे को जीवे मारने की धमकी दे रहे हैं ये सभी के सभी बच्चे। मैं आप लेडीज हूँ, हैंडीकैप लेडीज हूँ और ये पंप चला रही हूँ, तो मेरे को सब ब्लैकमेल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस भी आ चुकी है, थोड़ा कैमरा पैन कीजिए, आप देख सकते हैं पुलिस भी आई हुई है, यहाँ पे कर्मचारी लोग भी यहाँ पे है और यहाँ की जो मालिक है मेघा काले वो भी हमारे साथ में है। उनका ये मानना है, मैडम जहाँ आपने चोरी की बात किया, अक्सर ये देखा जाता है कि पेट्रोल पंप पे जो चोरी जो होती है वो चीप के लिए होती है, जो चीप डाली जाती है, कर्मियों को लोग नहीं चोरी करते बल्कि पेट्रोल पंप मालिक द्वारा वो ऐसा एडजस्टमेंट किया जाता है जिसके चलते पहले ही 1 लीटर 1.2 पॉइंट कम आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके अलग भी फंडे है, वो इसमें है, ऑटोमेशन में दिखाए जाते हैं, यानी हम लोग आपको दिखाई भी, यानी आप देख भी सकते हो। अब आखिरी में बताओ, अब आप क्या करना चाहोगे इनके साथ? अब क्या इनको माफ करोगी, इनको फिर से काम पे रखोगी या फिर आप कुछ सख्त कदम उठाओगी? देखो,
इनको तो माफ़ ही किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये मेरे बच्चे हैं, मेरे यहाँ काम किया है इन्होंने, मैं तो इनको माफ़ ही करूँगी, ऐसा नहीं है मेरा कि माफ़ नहीं करूँगी करके। लेकिन इन्होंने जैसा मेरा स्मूथली पेट्रोल पंप चल रहा था वैसा इन्होंने चलाने को होना। तो क्या मैनेजर को भैया फिर से रखूँगी आपका? वो मैं बता नहीं सकती भैया, वो नहीं बता सकती मैं। तो इस तरह की बातें करते हुए यहाँ पे मेगा काले इन्होंने ये बात कही है कि इन्हें भी काफ़ी ये कर्मचारियों द्वारा तकलीफ दी जा रही है, जिसके चलते इन्होंने भी कुछ कर्मचारियों को निकालने का मन बनाया है। और जो वेतन जो दिया जाता है वो सरकार के उनका एक जो तय जो होती है निधि उसके अनुसार दी जाती है, 3500 नहीं बल्कि उससे ज़्यादा मिलती है ऐसा इनका कहना है। इनका ये भी कहना पड़ा है कि कर्मी लोग आंदोलन हमेशा करते रहते हैं, जिसके चलते कामकाजों पर भी काफ़ी इसका प्रभाव होता है। मैडम आप भी खुद एक दिव्यांग हो और जो कर्मचारी काम करने वाले वो भी दिव्यांग है, सवाल ऐसे में यही उठता है कि यदि कर्मचारियों की मांगों का अगर दरकिनार किया जाए तो उनके तरफ ध्यान देगा कोर्ट, और मालिक जो कामकाज करते हैं और उन्हें अगर कोई तकलीफ होती है तो उनके और ध्यान देगा कौन? क्या पुलिस प्रशासन हर बार काम बीच में आके काम करेगी, क्या ये सही होगा, या आपस में बैठ के कुछ सुलह करके फिर से एक बार नए सिरे से कामकाज शुरू किया जाए, क्या इस ओर पहल हो सकती है? ये सवाल अब भी बना हुआ है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीरे, NBC News नागपुर।